चलो दोस्तों, इसमें देखेंगे ये से यहाँ तक क्रमागत संख्याएं हो तो उनका योग सिंपल हो, या उनके वर्गों का योग कितना होगा, या उनके घनों का योग कितना होगा। तो जैसे एक से क्रमागत संख्याएं यहाँ तक हो तो उसका योग का जो फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपन टू। अगर यही एक से क्रमागत संख्याएं यहाँ तक हो और उनके वर्गों का योग जो होता है यानी वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस डाटा एन का स्क्वायर, उसका जो फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपन सिक्स। और यही क्रमागत संख्याएं एक से एन तक हो और उनके घनों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन अपन टू का होल स्क्वायर, इसी का वैसे होल स्क्वायर कर देंगे वो आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ सवाल है, पहला है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डाटा 15 तक इसका योग कितना होगा सबका सम। तो आप देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू 15 है तो ये लिखेंगे इस फार्मूले पर 15 इंटू 15 प्लस वन अपॉन टू। अब टू से इसको डिवाइड करेंगे ये 25 टाइम्स में कट जाएगा और 25 इंटू 51 अपॉन कुछ नहीं यहाँ पर तो। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 25 से कम 25 पच्चीस पच्चीस 125 दो 127 यही 1275 आंसर इसका आएगा। दूसरा है एक से 100 तक का संख्याओं का योग कितना होगा तो इसको लिखेंगे एन का वैल्यू यही 100 है तो 100 इंटू 100 प्लस वन अपॉन टू एक 50 टाइम्स में ये कट जाए ये 101 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 505 और ये 0 बढ़ा देंगे यानी 50 आंसर आएगा यही आंसर हमारा। दूसरा है 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3 प्लस डाटा 10/3 का योग कितना होगा। तो फार्मूला ये वाला लगाएंगे हम लोग यानी एन का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 अपन 2 टू से इसको डिवाइड कर दो टू से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा और यह बच जाएगा 5 और ये सबका होल स्क्वायर 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर ये हो गया ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर इक्वल में 5 × 25 × 5 = 30 ये आंसर है। अगला सवाल है 1² + 2² + 3² + 15² इसका वैल्यू कितना होगा। इसका स्क्वायर निकालने का जो फार्मूला लगेगा ये वाला फार्मूला लगेगा इस फार्मूले पर रखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर का योग का फार्मूला यही है तो यहाँ पर रखेंगे यानी एन का वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 6 ये हो जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 31 अपॉन 6 ये अगर डिवाइड कर दें 2 से 2 × 3 = 6 2 × 8 = 16 और 3 × 5 = 15 ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 इंटू 31 यानी ये आंसर हमारे। अब ये दो सवाल है, दो सवालों का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।